नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन नेकलेस के साथ 299 दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी के शब्दकोश के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि जो आप रोज भी बोलते हैं, रोज कौन कौन से हिंदी के ऐसे शब्द आते हैं जिनका अंग्रेजी आपको नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही बात होगी, आप देखेंगे। और जो पढ़ने नहीं आएगा जिनको, उनको पढ़ने के लिए भी बताया जाएगा कि कैसे जो है वर्ड को पढ़ा जाए, और हिंदी भी। तो ये हिंदी शब्दकोश है, डिक्शनरी है, वैक्यूबलरी है, डेली यूजेस वर्ड्स है। तो आप लास्ट तक देखें, अगर पसंद आएगा तो आई से लेकर अ तक और क ख ग से लेकर ज्ञ तक के सभी महत्वपूर्ण शब्द जो कि रोज आप बोलते हैं मैं लाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आने वाले वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो घंटी को दबाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आसानी से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखने के लिए बस आपको इतना करना है कि ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, यानी कि टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ सारे वीडियो के लिंक को देखिए और डे वन से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों राइटिंग स्किल और स्पोकन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको डेली यूजेस के वर्ड, यानी कि जो रोज़मर्रा में जो वर्ड बोले जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, उसका अगर इंग्लिश ही नहीं पता होगा तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। जिनको पढ़ने नहीं आता उनको भी पढ़ने का यहाँ मौका मिला है, कैसे वर्ड को पढ़ा जाता है, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, और विथ इजी स्टेप, यानी बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है ये, और इसमें हम लोग अ से बात कर रहे हैं, यानी अ के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं हिंदी में, और इसका हिंदी का इंग्लिश क्या होता है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा है, हर एक स्लाइड में मैंने 30 के आसपास वर्ड को लिया है, ठीक है। तो लगभग 30 वर्ड आपको मिल जाएंगे हर एक स्लाइड में। देखिए अंक, अंक मतलब डिजिट होता है, डिजिट, डी जिट, डिजिट मीन्स अंक, ठीक है। अब देखिए मार्कशीट है, इधर देखिए अंक है, डिजिट, और इधर से चलेंगे अर्थमेटिक, अर्थ, अर्थ में टिक, अर्थमेटिक कैसे तोड़ के पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो शुरू के वीडियो जरूर देखें कि कैसे अर्थ हो गया, अरिथ नहीं हुआ, में टिक, ठीक है। अरिथ यहाँ ARI, तो अरी पढ़ सकते थे, आरी पढ़ सकते थे, लेकिन अर्थ में टिक क्यों पढ़ा गया ये दोस्तों, इसलिए क्योंकि यहाँ आय का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, तो अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। अब बाकी डिटेल वाले शुरू वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे अ हुआ है यहाँ पर। अब देखिए अंक पत्र, इन इंग्लिश होगा मार्कशीट। नेक्स्ट है अंक, अंकित यानी कि मार्क्ड, अंकुरित, बर्डिंग, बर्डिंग देखिए ING इंग होता है, BUD बर्ड होता है, एक्चुअली यहाँ पर यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है तो बर्डिंग हो गया, यानी अंकुरित। अंगड़ाई, यानिंग, यानिंग हो गया, यानिंग, अंगड़ाई। देखिए अंगड़ाई वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एकदम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है अंगड़ाई वर्ड के लिए। अगर पूछ दिया जाता कि अंगड़ाई का क्या होता है इंग्लिश, तो शायद ही आप बता पाते। अब देखिए अंगरक्षक, इम्पोर्ट, बॉडीगार्ड, ये फेमस है। अंगरखा यानी कि अपर गारमेंट, अपर हो गया, अपर ये गारमेंट हो गया, MENT को याद रखेंगे तो बहुत वर्ड्स पढ़ लेंगे। M में लगता है तो मेंट हो जाता है, F में, T में लगेगा तो टेंट हो जाएगा, L में लगेगा, L में ENT लगता है तो लेंट हो जाता है, और अगर P में लगता है ENT तो पेंट हो जाता है, S में लगेगा तो, S में ENT लगेगा तो सेंट हो जाएगा। तो वर्ड्स बहुत सारे बनते हैं ENT से। देखिए अंग्रेज यानी कि इंग्लिश मैन, अंग्रेजी, इंग्लिश, अंगीकार, एग्रीमेंट, इसे देखिए फिर से ENT आ गया एंट, तो एग्री हो गया, एग्रीमेंट, अग्रीमेंट बोलते हैं, अग्रीमेंट ऐसे बोलते हैं, एग्री अ नहीं ए, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इसे समझौता ही बोलते हैं, दो लोगों के बीच में किया है तो अंगीकार, एग्रीमेंट। अंगीठी यानी फर्नेस, फर्नेस, नेस पढ़ेंगे इसे, फर्नेस, FURNES नहीं, फर्नेस,
फिंगर 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 मीन्स अंगुली, देखिए फिंगर फिंगर मीन्स अंगुली, थंब थंब का मतलब अंगूठा, अंगूठी के लिए फिंगर रिंग, अंगोछा के लिए टॉवेल, अतीत के लिए पास्ट, पास्ट का अतीत, अतृप्त अनसेटिस्फाइड, अत्यधिक वेरी मच, अत्याचार अत्याचार एट्रोसिटी, देखिए एट्रोसिटी दो बार पढ़ा गया, अथवा रेदर, और अथवा के लिए और भी यूज करते हैं, अथ यानी कि अथ मीन्स शुरू, बिगनिंग बिगनिंग, अथा वेरी डीप, अथा गहराई है बोलते हैं ना, अथा गहराई है, वेरी डीप, अदल बदल एक्सचेंज, अदला बदली से कहते हैं, अदा करता ड्रॉई, ऐसे कि जो बैंक चेकबुक पे लिखा रहता है ड्रॉई, आराम रेस्ट, अदृश्य इनविजिबल, देखिए आई वी एल ई को इवल बोलते हैं, तो जहाँ भी लग गया तो यहाँ सिवल हो गया, जहाँ भी लगेगा इवल तो इवल ही पढ़ेंगे, आई वी एल ई को इवल तो इनविजिबल, अद्भुत वंडर वंडरफुल, अद्वितीय मैचलेस, मैच हो गया लेस में, ठीक है मैच ये लेस, देखिए टी सी एच को च पढ़ते हैं, ठीक है जिनको नहीं आता उनके लिए मैच लेस, अधर्म इनजस्टिस इनजस्टिस, जस्टिस में न्याय होता है या धर्म भी कह सकते हैं, और इनजस्टिस में अन्याय या धर्म, अत्यधिक प्लेंटी, नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम देखिए एम में मम होगा, मैं मैक्सिमम अधिकतम, अधिकार राइट, देखिए आई जी एच टी, अगर इसके पहले एफ लगाते हैं तो फाइट होता है, एस लगाते हैं तो साइट होता है, एल लगा देंगे तो क्या होगा लाइट हो जाएगा, एम लगा देंगे तो माइट हो जाएगा, एम आई जी एस टी माइट, एल आई जी एस टी लाइट, एस आई जी एस टी साइट, और जो भी है आप जहाँ भी आर आई जी एस टी राइट, अधिकार अधिकारी ऑफिसर ऑफिसर, अधिकोष यानी बैंक, अधिनायक लॉर्ड लॉर्ड भगवान भी होता है तो अधिनायक हीरो भी, अधिनियम बिल, अधिपति चीफ, ये चीफ हो गया ये मास्टर अधिपति, अधिभार सर चार्ज, दोस्तों थोड़ा सा हिंदी यहाँ भारी लग रहा होगा लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदी आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही आपको हल्के हल्के देंगे, क्योंकि ऐसा भारी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो ऐसी बात आपको नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा समझ, लेकिन इंग्लिश देख के समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं, और ये है अधिवक्ता, ये तो जानते हैं अधिवक्ता वकील जैसे बोलते हैं, या एडवोकेट, देखिए एड हो गया वो हो गया, केट हो गया केट, देखिए ए है और ई है तो ए और ई, यानी कि अगर मान लीजिए के है सी ए टी कैट होता है, अगर ई लगा देते हैं तो केट हो जाता है, फिर समझेंगे सी ए टी क्या होता है कैट, और इसमें ई जोड़ देंगे तो हो जाता है केट, यानी कि जब भी ए के बाद ई भोवेल है किसी कॉन्सोनेंट के बाद, मान लीजिए ए भोवेल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है उसके बाद भोवेल ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में नहीं ए के रूप में होगा, ठीक है ए के रूप में ए के रूप में नहीं होगा याद रखेंगे, तो कैट नहीं होगा केट हो गया। अब देखिए सेशन सेशन एस आई यू एन सन होता है, आई टी आई ओ एन भी सन होता है, इन दोनों वर्ड को याद रखिए, एस आई एन सन भी होता है जल भी होता है, टी आई एन सन होता है, तो सेशन मीन्स अधिवेशन, अधिसूचना नोटी फी के सन, देखिए टी आई एन सन यहाँ पर आ गया तो सन आ गया नोटिफिकेशन, अधीक्षक का होता है सुप्रीम सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट, टी छूट जाता है पर तो यहाँ ऐड कर लीजिएगा सुपरिटेंडेंट, अधीन डिपेंडेंट डिपेंडेंट
ई एन टी आ गया था, डी में लगे तो डेंट हो गया, एम में लगता तो मेंट होता है, एम में लगता तो लेंट होता है, एस में लगता तो सेंट होता है। चलिए सबोर्डिनेट देखिए, अधीनस्थ स बॉडी स व डी, देखिए नेट नेट नहीं पढ़े नेट, क्योंकि ए के बाद ई आया इसलिए नेट नहीं पढ़ के नेट पढ़ेंगे। अधीर इम पै सेंस इम्पेशेंस इम्पेशेंस, पाया नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ए का उच्चारण एक रूप में करें इम्पेशेंस। अधूरा हाफ फिनिश्ड, अधेड़ मिडिल एज या मध्य मध्य बीच उम्र का, ऐसे ही बोल सकते हैं अधेड़ मिडिल एज, और मध्ययुग भी बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर चूँकि आई वाला है इसलिए अधेड़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अध्यक्ष प्रेसी, देखिए ई एन टी लग गया ना डी में तो डेंट हो गया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। अध्ययन स्टडी, अध्यात्म मेटा फिजिकल, मेटा फिजिकल अध्यात्म। अध्यादेश ऑर्डिनेंस और डी, देखिए ए एन सी ई एन होता है तो एन में लग गया तो नेंस हो गया, तो ऑर्डिनेंस अध्यापक। टीचर टीचर, अनगढ़ अनफॉर्म्ड अनफॉर्म्ड, अनजान अननोन अननोन मीन्स अनजान, अनाधिकृत अनऑथोराइज्ड, कहीं कहीं आप एस जेड की जगह एस भी देखेंगे तो ये अनऑथराइज्ड हो गया। अनानस पाइन, पाइन हो गया पी आई एन ई पाइन, ए डबल पी एल ई एप्पल, पाइन एप्पल मीन्स अनानस, इसे अनारस भी लोग बोलते हैं लोकल बोलचाल की भाषा में। अनपच हो गया भाई। इन डाई जे जेशन इंडाइजेशन, अनपच अनपढ़, ई आई है ई लिटरेट, ई ली टी रेट रेट हो गया, ई लिटरेट मीन्स अनपढ़, बहुत ईजिली आप समझेंगे। तो ये मुझे 60 वर्ड हो गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अंचल सर्कल, सर्कल सर्कल ऑफिसर ही बोलते हैं इसे, जोन को भी अंचल बोलते हैं। अब देखिए अंजर पंजर, ठीक है, या स्केलेटन, अब समझते हैं कि कंकाल भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ अंजर पंजर बोलेंगे स्केलेटन को, स्केलेटन टी एन टन होता है, एस्केलेटन एस्केलेटन अंजर पंजर। अंडा एग, अंडाशय उबरी, अतड़ी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो अतड़ी होता है इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, ठीक है अतड़ी। नेक्स्ट है इंटीमेट, इंटी इंटी मेट, देखिए एम ए टी क्या होता है मैट होता है, जब ई लगा देंगे तो मेट हो जाएगा, यानी कि ए का उच्चारण ई लगने के बाद ए का उच्चारण जो जो एन मैट में ए का उच्चारण हुआ, ठीक है, जब ई लग गया तो उच्चारण ए के रूप में होने लगा, यानी कि मेट हो गया। ये देखिए अंतर डिफरेंस, ई एन सी आ गया वापस यहाँ पर, फॉर में लगे तो रेंस हो गया डी फेरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि अंतर अंतरात्मा, द सोल द सोल अंतरात्मा। अंतराल एंटरवल एंटरवल, अंतरिक्ष स्पेस, अंतरिम इंतरिम, अंतर्गत इन इंक्लूडेड इंक्लूडेड, ठीक है, यानी कि अंतर्गत अंतरजाति अंतरजाति। इंटर इंटररेशियल, इंटररेशियल मीन्स अंतरजातीय अंतरदेशीय युद्ध सिविल वॉर। अंतर्धान डिस अपीयरेंस अपीयरेंस अपीयर रेंस, ए एन सी लग गया आर में तो रेंस हो गया डिसअपियरेंस। अंतिम लास्ट अंतिम तिथि क्लोजिंग डेट,
अंदरूनी, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। अंतकाल, द टाइम ऑफ डेथ, अंतकाल। देखिए अनबन, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, अंतकाल। देखिए अविवाहित या अनब्याह भी बोलते हैं इसे, तो ये हो गया अनमैरिड, यानी कि बिना विवाह किए हुए। अनमोल, प्रीसियस, प्री, अब देखिए ओ यू एस को अस बोलते हैं, सी ए को सी बोलेंगे, तो प्रीसियस। अग्नि, फायर। अनसन, फास्टिंग, आई एन जी को इन बोलेंगे, फास्टिंग। ग्रेन मीन्स अनाज। इन एक्सपर्ट, अनाड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आपको ये वर्ड्स लगभग जो है 90+ मैंने यहाँ वर्ड्स को लिया है, और अगली भी वीडियो में अ से ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप वाव में, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी बात को याद भी रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो वीडियो को नहीं समझ में आए तो एक से बार दो बार जरूर देखें, आपको पक्का याद हो जाएगा। ये रोज डेली यूजेस वर्ड्स हैं और धीरे धीरे सारे वर्ड्स आएंगे। दोस्तों ये अ था, फिर अ के कुछ और वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जब आ के खत्म हो जाएगा तो फिर आ काल आएगा। तो इस वीडियो में तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ वीडियो लिंक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसको फॉलो कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।